तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ हेयर मिस्टेक्स के बारे में, जो कि आपके हेयर को ऐसे बर्बाद कर रही है जैसे पॉल्यूशन हमारे नेचर को। ओ गुड मैसेज, बाय द वे एक और गुड मैसेज है फॉर डेली टॉक्स। आप मेरा न्यू वाला इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मेरी डेली लाइफ से जुड़ी अपडेट भी होती है और वीडियो से जुड़ी हुई अपडेट भी होती है और सभी से बातें भी करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हेयर मिस्टेक, गोइंग इनटू सन एक्सपोजर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, अभी देखिए समर्स का टाइम चल रहा है और धूप बहुत जोरों शोरों से पड़ रही है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं ना और बहुत देर के लिए बाहर जाते हैं, तो हमारे हेयर और स्किन बिल्कुल खराब हो जाते हैं। सन की जो हार्मफुल यूवी रेज होते हैं वो हमारे हेयर को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती है। तो आप बिल्कुल छूकर ही पता लगा दोगे कि भाई मेरे हेयर पहले कैसे थे और अब देखो कैसे हो चुके, बिल्कुल झाड़ू की तरह हेयर हो जाएंगे। तो इसलिए भाई ऐसी 45-50 डिग्री के माहौल में अगर आप बाहर जाए तो एक कैप जरूर पहने। मतलब अगर बहुत ज्यादा धूप में बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो कैप जरूर पहने, जिससे आपके हेयर प्रोटेक्ट रहेंगे। और ये गलती बहुत देर के लिए बिना कैप पहने जाने की बिल्कुल भी ना करें। देन बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट हेयर मिस्टेक के बारे में, स्ट्रेस। अब हमारी जनरेशन का क्या सीन है ना भाई, 14-15 साल की उम्र में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि भाई हमारे ना बाल झड़ने लग जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। स्ट्रेस की बात करें तो वो तो भाई आप लोग ही दूर कर सकते हो अपनी लाइफ से, मैं तो बस कुछ चीजें ही बता सकता हूँ आपको। बट अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है इसकी वजह से तो वो जरूर हम सॉल्व कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू मार्स बाय जीएचसी का हेयर वाइटलाइजर। इसमें है प्रोकेपिल 3%, रेडेंसिल 3%, सो पेलमेटो एंड बायोटिन, जो कि हमारे हेयर लॉस को कम करता है, हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड थिक एंड हेल्दी हेयर की ग्रोथ हमें देता है। तो भाई अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल चीज हो सकती है आपके लिए। और इसकी मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या लगी, ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और इजी टू यूज है, स्प्रे बॉटल में आता है। सिंपली आपको इसे यूज कैसे करना है, सिंपली आपको स्प्रे करना है अपने स्कैल्प पर और अच्छे से मसाज करनी है जब तक ये सूख नहीं जाता। जब ये सूख जाए तो उसके बाद ओवरनाइट छोड़ दें आप इसे, बस दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। एंड आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाएगा आपके हेयर लॉस जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी एक थिक एंड हेल्दी हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये परचेस करना हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। देन अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट हेयर मिस्टेक के बारे में, वॉशिंग हेयर अगेन एंड अगेन इन अ डे। जी हाँ, ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये करते हुए कि भाई बार बार अपने हेयर को वॉश करते रहते हैं एक ही दिन में और फिर वापस से रीस्टाइल करते रहते। तो हो सकता है इससे आपके हेयर रीस्टाइल तो बहुत अच्छे हो जाते हो, बट यहाँ हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आती है। अब दिक्कतें क्या आती है, जो हमारा स्कैल्प नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है ना वो सारा का सारा वॉश आउट हो जाता है जितनी बार हम हेयर धोते हैं। और बार बार अगर हम हेयर वॉश ही करते रहेंगे तो वो सारा का सारा ऑब्वियसली सी बात है वॉश आउट हो जाएगा, और वो वॉश आउट हो जाएगा तो हमारी हेयर ग्रोथ में दिक्कत आती है। अब हमारी हेयर ग्रोथ होगी भी तो स्लो हो जाएगी, और स्लो भी हो जाएगी तो हमारे हेयर अच्छे नहीं होंगे, हमारे हेयर हेल्दी नहीं होंगे, आपके हेयर में काफी ज्यादा ड्राइनेस आपको देखने को मिलेगी, वो भी टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए भाई हेयर को दिन में बार 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 वॉश ना करते रहे, हमारा स्कैल्प जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेयर की हेल्थ के लिए। देन बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट हेयर मिस्टेक के बारे में, यूजिंग उस्तरा ऑन फोरहेड। जी हाँ, ये गलती मैं खुद कर चुका हूँ और भाई इसके जो परिणाम है वो भी मैं भुगत चुका हूँ, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, बट जो लोग अभी भी कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप भी अपने फोरहेड पर हेयर कट के दौरान आप उस्तरा लगवाते हो यहाँ पर, तो भाई ये आपके धीरे धीरे क्या करेगा, ये आपकी हेयर लाइन को ऊपर ले जाता जाता है। और जैसे हम हेयर कट करवाते हैं दो दिन तो हमारा हेयर कट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हमारे फोरहेड एकदम चिकना रहता है, एकदम क्लीन रहता है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लुक हमें देता है। बट दो दिन बाद क्या होता है, वापस से वो पैच जो हमारे फोरहेड पर होता है वो आता ही जाता है, और जब जब हम हेयर कट करवाते हैं तो ये बढ़ता ही जाता है, और ये बढ़ता ही जाएगा। एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको हेड शेव करवाना पड़ेगा या तो आपको हेड ट्रिम करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत पैच है तो भैया इसे अभी रोक दे, आपके टॉप हेयर को आप शॉर्ट करवा ले और उसके बाद आप इंतजार करें अपने फोरहेड हेयर के ग्रो होने का, वरना अगर पैच बड़ा हो गया तो जरूर आपको हेड शेव या ट्रिम करवाना ही पड़ेगा। तो यही चीज है भाई, ये गलती कभी भी ना करें। सो बस गई आज की वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।